हेलो, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल दिल्ली से बोल रहा हूँ। आदमी जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सलाम कैसे हैं? जी, भाई साहब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, बताइए मैं बात करूँ, मैं ये कह रहा था कि अब तो कोरोना इतना ज्यादा फैला है और आपने तो शुरू में ही इतना बढ़िया वहां जाके यूपी में प्रचार किया और जिस तरह से असदुद्दीन डैमेज कर रहे थे उसको कंट्रोल किया। अब हम फोन पे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। हाँ पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए आजमी साहब, जी। देश में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों के लिए खास तौर से लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने किया और आप जैसे नेताओं को साथ लिया, वैसा कोई पार्टी नहीं कर पाई। और असदुद्दीन ओवैसी वहां से आके अपने आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और यहाँ उधम मचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक तरह से आप प्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अभी जो वक्त है जी ये वक्त बहुत खराब चल रहा है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जी और धर्म संसद बुला करके जी उसमें उसमें मुसलमानों को मारने की बात, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात और गांधी जी जैसे आदमी को जी अपमानित किया जा रहा, गाली दिया जा रहा है जी और जो है गांधी जी के खातिर गोडसे की मंदिर बनाने की बात की जा रही है। जी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है जी हम इस वक्त जो है किसी को जो है वहाँ पे जो लड़ाई समाजवादी पार्टी की डायरेक्ट बीजेपी से चल रही है, तो जी हमारे रास्ते में किसी को स्पीड ब्रेकर नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल सही है सर। एक सवाल और, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार हूँ, क्योंकि ईमानदारी की बात यह है कि यूपी में मेरा उतना जनाधार नहीं है और समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे रही है। तो असदुद्दीन साहब को कोई लिफ्ट नहीं दी गई, लोग कह रहे हैं और असदुद्दीन की पार्टी के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि अखिलेश साहब ने कोई लिफ्ट नहीं दी, ऐसा क्यों? ऐसा है कि पहले वो जहाँ उनकी पार्टी पिछले साइप्रस तकरीबन 100 साल से इलेक्शन लड़ रही है, जी वहां सिर्फ 5-7 सीट लड़ते, पहले वो पूरा लड़ने वहां पर जी और पूरी सीटें लड़ने, वहां पर बहुत सीटें हैं, जी उसके बाद फिर आगे जाए ना, वहां क्या जरूरत वहां जाने के लिए फिलहाल। नहीं भाईजान, एक चीज बताइए, आप बहुत सी छोटी छोटी पार्टियों को अखिलेश यादव ने अपने साथ शामिल किया, पांच पांच दस दस सीटें दी हैं, तो एक आदमी जो मुस्लिम चेहरा तो थोड़ा बहुत है ही है देश में, उसके जाने से अगर अखिलेश को कुछ दिक्कत आ सकती है तो 5-7 सीटें देने में क्या हर्ज है? नहीं ऐसा ना कि देखिए ये वोट बैंक हमारे साथ है, अच्छा जो वोट बैंक हमारे साथ, हम दोस्ती को किसी को हाथ में हाथ मिलाए और हम जो है जी समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों साथ कैसे रह सकती है जो ये कहे कि जी अपने को अपना लीडर बनाओ, अपनों को वोट दो, जी अगर अपनों को वोट नहीं देंगे तो अल्लाह नाराज होगा, फरिश्ते बदवा देंगे। जी और ये देश जो है हिंदू मुस्लिम का देश है, इस देश में वही पार्टी चलेगी जी जो कौमी यकजहती की बात करेगी, जो हिंदू मुस्लिम साथ दे करेगी। जी तो हम लोग जो है हमें किसी से और हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, जी ये वोट बैंक हमारे साथ है। जी नहीं, हम आप ये नहीं कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप इस तरह की हिंदुस्तान में बात नहीं कर सकते कि जो है मतलब अपनी कौम को दो फरिश्ते नाराज होंगे, ये होगा, ये बेवकूफी की बात है उनकी। लेकिन अगर वो 5-7 सीटें दे दी जाए बड़ा दिल करके और एक बड़ा सेक्ट जो है उनके साथ का आ जाए आपके साथ, तो इसमें हरज क्या है? समाजवादी पार्टी जो है, हम जो है, जी अगर हम हिंदू फिरका परस्ती के खिलाफ हैं जी तो मुस्लिम फिरका परस्ती के भी खिलाफ है। जी अच्छा ये बताइए, राजभर जी जो हैं शुरू में तो जो कह रहे थे कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और अब वो अखिलेश जी के साथ चले आए, तो ऐसी क्या वजह हुई कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया? वो चारों तरफ देख रहे थे कहाँ हम सेट हो पाएंगे, अखिलेश जी ने उनकी बातें, अखिलेश जी की उनकी जो है बातचीत ऐसी हो गई कि दोनों सहमत हो गए तो आ गए। अच्छा असदुद्दीन ओवैसी तो चलिए एक तरह से नालायकी कर रहे हैं, पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशदी साहब, ये तो बीजेपी के एजेंट नहीं है, तो इनको भी कोई सीटें देने का ऑफर नहीं आया अखिलेश जी की तरफ से? जी नहीं जरूरत नहीं ना, जो जो वोट बैंक उनके पास है जी वो हमारे साथ है ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे इलेक्शन के लिए,
हर हर इंडिविजुअल आदमी खड़ा हो जाएगा, सबको इलेक्शन लड़ने का शौक है। आदमी साहब वो इंडिविजुअल नहीं है, दोनों की पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में और चार एमएलए जीत चुके हैं डॉक्टर अयूब के, और रशदी साहब भी जो है बहुत जगह लड़े हैं। और दूसरी चीज, वो मुस्लिम नेता है, अगर मुसलमान की बात अखिलेश करते हैं तो उनको दरकिनार कैसे किया जा सकता है? मेरे सवाल आपसे, अखिलेश जी ने 2012 में जी जब सरकार बनी थी जी, तो जितने एमएलए चुन के आए थे जी, उसमें जितने मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में है जी, उतने एमएलए उन्होंने चुन के दिया वहाँ पे जी, जी। जब मिनिस्टर बनाए जी, तो जितने मिनिस्टर बनाए मुसलमानों की आबादी के मुताबिक मुसलमानों के एमएलए को भी इतने मिनिस्टर बनाए जितनी उनकी आबादी है जी। तो सब तो कर रहे थे, सब काम तो कर ही रहे हैं, हमें दूसरे को जरूरत क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब आप बहुत सीनियर लीडर हैं, या आप ये बताइए, इसका ये मतलब है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, पीस पार्टी और एआईआईएम के मैदान में रहते हुए मुस्लिम वोट का कोई नकारात्मक असर समाजवादी पार्टी पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है, चारों तरफ जो है लोग जानते हैं अच्छी तरह से, बीजेपी को हराना है और फिरका परस्ती को खत्म करना है, तो फिर एक एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। सर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अतुल अंजान साहब से मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना था जो लाइन आप कह रहे हैं, लेकिन उनका ये भी साथ में कहना था कि अखिलेश जी तो अभी से ये मान के चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसा एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि, लेकिन हमें माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद तो अच्छी रखना चाहिए, ना उम्मीद कुफ्र है जी, और उम्मीद है कि हम लोग जरूर सरकार बनाएंगे जी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।